प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। ये पद पवित्र बाइबल में सबसे फेमस जो पद है उसको याद दिलाता है। बाइबल में सबसे फेमस पद कौन सा है? यूहन्ना 3:16। सारी दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में जिस स्टेटमेंट का अनुवाद हुआ है वो है पहला यूहन्ना 3:16। पहला यूहन्ना 3:16 हमको याद दिलाता है क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई प्रभु पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। वहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वहीं हम यहाँ पर देखते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। आज सारी दुनिया में 6-6.5 अरब लोग हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग किसी न किसी तरह से परमेश्वर से किसी न किसी तरह का संबंध चाहते हैं। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करते हैं, इन सब बातों को जानने के बदले मनमाना अपने मन की कल्पना के अनुसार ईश्वर की या ईश्वरों की रचना करते हैं। और जब मनुष्य मनमाना अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर की रचना करता है तो ज़्यादातर लोग परमेश्वर के बारे में या प्रभु के बारे में ये सोचते हैं, प्रभु क्रोध करने वाले हैं, प्रभु मनुष्य को सजा देना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। समस्या यह है कि प्रभु को सिर्फ क्रोध करने वाले व्यक्ति के रूप में या प्रभु को सिर्फ सजा देने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो गलत कल्पना है। प्रभु के स्वभाव के सिर्फ एक पहलू को, एक साइड को दिखाता है। प्रभु का जो वास्तविक स्वभाव है, परमेश्वर का जो वास्तविक स्वभाव है, उसमें एक तरफ क्रोध है तो एक तरफ प्रेम है। कैसा प्रेम? असीमित प्रेम। अपन लोग हिंदी में एक गाना गाते हैं जहाँ पर प्रभु के प्रेम के बारे में हम गाते हैं कि प्रभु का प्रेम असीमित है, असीमित और अनोखा प्रेम है। ये स्टेटमेंट पहला यूहन्ना 3:1, उसका पहला ही वाक्य हमको याद दिलाता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हम सब दूसरों से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मनुष्य के रूप में जिसने भी जन्म लिया है उसके मन में दूसरों से प्रेम पाने के लिए और अपना प्रेम उनको देने के लिए ये मनुष्य का स्वभाव है। मैं तो पेशे से
हमेशा टीचर रहा, स्कूल लेवल पर पढ़ाया, यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया, बाइबल स्कूल के लेवल पर पढ़ाया, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या बाइबल स्कूल हो, मैं अपने विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करता था, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं से बहुत सारे लोग जब बाइबल स्कूल स्टूडेंट्स जब बाइबल स्कूल से निकल गए तो उसके बाद सर के बदले मुझे अंकल कहने लगे, उस प्रेम के कारण। मैं जब स्कूल में पढ़ाता था, मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन मैंने अनाउंस किया कि मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, तो बहुत सारे बच्चे फूट फूट कर रो पड़े। जितना स्नेह उनकी ओर से मुझे मिला, उतना ही स्नेह मैंने उनसे किया। लेकिन इनमें से जिन विद्यार्थियों से मैंने स्नेह किया, जिनसे बहुत अधिक स्नेह किया, इनमें से किसी को मैंने अपना पुत्र, अपना बेटा या बेटी कहा क्या? नहीं, ये मेरे बेटे के समान है ऐसा कहा होगा, लेकिन मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, मैंने बेटे और बेटी का स्थान इनमें से किसी को नहीं दिया। कारण क्या है? मैं उनसे कितना भी प्रेम करूं, कितना भी स्नेह करूं, कितना भी स्नेह उनके ऊपर लुटा दूं, लेकिन वे मेरे बेटे और बेटी नहीं बन सकते, मैंने उनको जन्म नहीं दिया है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यह कह सकता हूँ, ये मेरे बेटे के समान है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, यहाँ हम नहीं देख, यहाँ क्या पढ़ते हैं, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। यूहन्ना पहले अध्याय के 11 और 12वें पद में हम देखते हैं, जिसने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसको परमेश्वर की संतान हो जाने का अधिकार दिया। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर इस तरह से कर सकते हैं, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के लिए मनुष्य जो नहीं कर सकता वो कार्य परमेश्वर करते हैं। क्या करते हैं? उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये किस बात को बताता है? ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से इतना असीमित स्नेह करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि इस सृष्टि में जितने लोगों ने जन्म लिया है, पुरुष हो या स्त्री, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, धनी हो या गरीब, राजा हो या भिखारी, उम्र में बूढ़ा हो या बच्चा, परमेश्वर की इच्छा है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाए। और ये परमेश्वर की इच्छा इसलिए है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। सवाल यह है कि ये परमेश्वर की संतान बनने का क्या मतलब है? इसके मतलब के लिए हमको आज से 6000 साल पहले के मनुष्य के इतिहास में जाना पड़ेगा। आज से 6000 लगभग 6000 साल पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी, आसमान, सब चीज़ों की सृष्टि की, और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर बगिया का निर्माण किया जिसका नाम था आदन। आदन में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को रखा। प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आदम परमेश्वर की संतान था। प्रभु यीशु की वंशावली जब हम पढ़ते हैं तब उसमें एक वंशावली में साफ लिखा हुआ है कि आदम जो है वो परमेश्वर का पुत्र था। तो इस तरह से परमेश्वर ने अपने पुत्र के समान आदम और उसकी पत्नी हवा की सृष्टि करके आदन की वाटिका में रखा। लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह से आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देने के कारण परमेश्वर से जो पिता पुत्र संबंध था वो संबंध भी टूट गया।
इस कारण आदम और हवा की संतान के रूप में संसार में कोई भी जन्म लेता है तो वो टूटे हुए संबंध के साथ जन्म लेता है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें। मैं और आप आदम और हवा की संतान हैं, लेकिन आदम और हवा ने चूंकि परमेश्वर से अपने संबंधों को तोड़ लिया था, इस कारण आदम और हवा की संतान के रूप में संसार में जो भी जन्म लेता है वो परमेश्वर की संतान बन सकता है, लेकिन जन्म लेते समय उसका संबंध टूटा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान बन जाएं। कैसे बनते हैं ये बात मैं जरा एक बार और याद दिला दूं। संबंध क्यों टूटा? पाप के कारण। हम जो संतान थे आज संतान क्यों नहीं है? पाप के कारण। पापी मनुष्य वापस उस संबंध को नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि पाप की सजा है मृत्यु, और जिसके लिए पाप की सजा मृत्यु है वो जीवित परमेश्वर से संबंध नहीं जोड़ सकता है। लेकिन आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके संसार में जन्म लेकर सूली पर आपके और मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया। आपको याद होगा सूली पर जब प्रभु यीशु टंगे हुए थे तब 3 घंटे के करीब पूर्ण अंधकार छाया रहा। 2 पहर से लेकर 3रे पहर तक अंधकार छाया रहा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि इस सारे विश्व में जिसने भी जन्म लिया है और जो जन्म लेने वाला है सबके पापों की सजा उस समय प्रभु यीशु के ऊपर पुंडेल दी गई। मेरे पापों की सजा मुझे उठानी थी, जिस तरह से हम गाते हैं मेरे बदले तू मरा। उस 3 घंटे में दुनिया में जितने लोगों ने जन्म लिया और जो जन्म लेने वाले हैं सबके पापों की सजा प्रभु यीशु के ऊपर उंडेल दी गई। प्रभु ने उसके लिए प्रायश्चित किया। इस कारण हम में से कोई भी व्यक्ति जब इस बात को समझ जाता है कि मैं पापी हूं, हम यदि प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि मैं पापी हूं, और मैं इस बात को भी समझ गया हूं कि मेरे पापों की सजा के कारण या मेरे पापों की सजा थी मृत्यु, मैं आपकी संतान नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले मेरी जगह मृत्यु को ले लिया, मेरी जगह मृत्यु को सहन कर लिया, और इस तरह से मेरे पापों की सजा प्रभु ने चुका दी। आज मैं मान लेता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए सूली पर बलिदान हो गए और इस कारण मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। मैं प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। जिस क्षण कोई व्यक्ति इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करता है उस क्षण जिस क्षण कोई व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है उस क्षण प्रभु उसको पापों से क्षमा प्रदान करते हैं, उसको शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं। मैं जब 6 साल का था तब मैंने प्रभु यीशु से एग्जैक्टली यही प्रार्थना की। मेरे पापा ने यह सब मुझे बताया, वहीं घुटने टेक कर मैंने प्रभु से कहा, मुझे अभी भी याद है, प्रभु मैं पापी हूं, मैं आपसे दूर हूं, अनंत नरक मेरे लिए रखा है, लेकिन मेरे लिए प्रभु यीशु ने सूली पर अपनी जान दी। इस बात को पहचान कर आज मैं प्रभु का अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, मेरे पापों से मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। जिस क्षण मैंने ये प्रार्थना की उस क्षण मेरे पाप क्षमा हो गए, मुझे उद्धार का निश्चय हो गया। तब से आज तक मैं उस खुशी के साथ जीवन बिता रहा हूँ।
ये मेरा अनुभव है। मेरे बगल में भाई जफरी बैठे हुए, उनसे पूछो, वे भी यही कहेंगे। फर्क सिर्फ उम्र का, उन्होंने किसी और उम्र में किसी और जगह प्रभु को ग्रहण किया, मैंने किसी और उम्र में किसी और जगह ग्रहण किया। इधर बहनों में से कई है, उधर पीछे भाइयों में से सभी लोग हैं। हम सब ने अपने जीवन में शाश्वत जीवन पाया है। आज शाम को जो दो बातें मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसमें से पहली बात यह है, प्रिय भाई प्रिय बहन, आपने शाश्वत जीवन पाया है क्या? शाश्वत मतलब जिसका कोई अंत नहीं होने वाला, जो हमेशा बना रहेगा। शाश्वत जीवन पाया है क्या? नहीं पाया है तो याद रखें, आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब प्रभु ने आपको शाश्वत जीवन देने का इंतजाम कर दिया है, तो क्यों उस शाश्वत जीवन से आप दूर हैं? मैं इन दिनों संदेश के बीच में पानी पीता हूँ, ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये जो पानी पीता हूँ इसका क्या मतलब है? मतलब मेरे लिए तो वो गले को तर करता है जिससे कि मैं अच्छी तरह से बोल सकूं, आपके लिए उसका कोई अर्थ है क्या? आपके लिए अर्थ है। यहां पर कई लोग मुझे पिछले कई महीनों से देखते आए हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे सालों से देखते आए हैं। आपने नोट किया होगा कि बस पिछले 1.5-2 महीने में मैं ये पानी पीने लगा हूँ, उसके पहले लगभग पूरा का पूरा संदेश बिना पानी पिए देता था, कभी कभार पानी पीता था। क्यों? उम्र बढ़ रही है, शरीर कमजोर हो रहा है, इस शरीर में शाश्वत जीवन जैसी कोई बात नहीं, ये शरीर शाश्वत नहीं है। और इस कारण जब भी हम किसी व्यक्ति के शरीर की कमजोरी को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके सामने मैं जो इसकी तुलना में और अधिक स्वस्थ था, आज अपनी कमजोरी के साथ संघर्ष कर रहा हूं, तो आपको एक बात याद कर लेनी चाहिए, हम हमेशा इसी तरह से जवान नहीं रहेंगे, हमेशा इसी तरह तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, हमेशा इसी तरह से शक्तिशाली नहीं रहेंगे। एक समय आएगा जब हम भी कमजोर हो जाएंगे, जब हमारे भी जाने का समय निकट आ जाएगा। इस कारण मैंने जो कहा ना, अपने शाश्वत जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, इस बात को और अधिक गंभीरता से लें। मनुष्य जीवन नश्वर है, समाप्त हो जाएगा, और हम में से कोई नहीं जानता कि यह कब समाप्त होगा। ये बात भी मैं याद दिलाना चाहता, हम में से कोई व्यक्ति नहीं जानता कि हमारा जीवन कब समाप्त हो जाएगा। आज मैं और वाइफ यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक चर्च में संगति के लिए गए थे। खुशी खुशी गए, खुशी खुशी आए, लेकिन इस बीच जब हम वापस आ रहे थे, तो वहाँ से यहाँ के आधी दूर पर अचानक, यदि प्रभु ने हमारी सुरक्षा नहीं की होती तो कम से कम हाथ पैर तो टूट ही जाते, मृत्यु भी हो सकती थी, क्योंकि सामने से जो गाड़ियां जा रही थी सबने एकदम से सडन ब्रेक लगाया, इतना सडन कि एक सेकंड के 10वें हिस्से में गाड़ी रोकना जरूरी था, और हम जानते हैं कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसकी भी वही स्थिति थी, वो यदि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में गाड़ी ना रोकता तो आकर भयानक रूप से हमारी गाड़ी में धाड़ मारता, हमारी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से जो है जाके धाड़ से मारती, दोनों गाड़ियों के बीच में हम तो आज पिस गए होते। जाने से पहले मुझे मालूम था क्या? नहीं मालूम था। जब वापस आए तो इस दुर्घटना से
एक सेकंड पहले मुझे मालूम था क्या? नहीं मालूम था। आधा सेकंड पहले मुझे मालूम था क्या? नहीं मालूम था। जीवन में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात आज फिर से मैंने देखा, जीवन की कोई गारंटी नहीं है। प्रभु ने हमको बचाए ये बात अलग है, लेकिन ऐसी ही दुर्घटनाओं में कितने लोग नहीं बचते? बहुत लोग हैं जो नहीं बचते। इससे छोटी छोटी दुर्घटना में जो है बच नहीं पाते हैं। तो हमारी तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी, क्योंकि आगे वाली गाड़ी ने सडन ब्रेक लगाया, हमारी गाड़ी जाके उससे टकराती और पीछे वाली गाड़ी हमको टकराती। इतने इम्पैक्ट इस उम्र में पर्याप्त होता है गला तोड़ देने के लिए। आधे सेकंड पहले मुझे नहीं मालूम था। हम में से इस बात को याद रखें, कोई भी व्यक्ति अगले क्षण क्या होने जा रहा है इसको नहीं जान सकता। जैसे ही मैंने सडन ब्रेक लगाया, मेरे मन में हजार बातें गुजर गईं। उसमें से पहला प्रश्न ये था कि इस दुर्घटना से बचकर घर पहुंचूंगा या नहीं, या बच्चों को ये खबर दी जाएगी कि पापा के साथ ऐसा हो गया, मम्मी के साथ ऐसा हो गया। हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। इस कारण प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने भविष्य के साथ, शाश्वत जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। अगली बात जो हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने प्रभु को भी नहीं जाना। यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं तो दुनिया के लोग जब हमारे जीवन को देखेंगे तो वो कहेंगे, बार बार कहेंगे, बड़ा विचित्र जीवन है तुम्हारा, बड़ा विचित्र है। जब तुम किसी चीज को करने से मना कर दोगे, दफ्तर में जहां काम करते हो वहां, फैक्ट्री में, दुकान में, जब तुम किसी चीज के लिए मना कर दोगे तो लोग कहेंगे कि विचित्र व्यक्ति हो, हम सब ऐसा करते हैं, तुम क्यों नहीं करते। ये सबके साथ होता है। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं, सबके साथ होता है। पहली बार जब मैं नौकरी पे गया, पहली बार मीन्स मैं दो तीन जगह पहली बार गया, उसमें से एक वही स्कूल जहां पर मैंने पहली से लेकर हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की थी। पहुंचने के दो दिन बाद प्रिंसिपल ने बुला के कहा कि देखो ये फलाना लड़का जो है वो एग्जाम में फेल हो गया है और मेरे एक मित्र का लड़का है, तुम इसको पास कर दो। कर सकते हैं क्या भैया? लड़का फेल इसलिए हुआ है कि उसने लिखा ही नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में उस समय पास होने के लिए 33% होना जरूरी था, 100 में से 33.5% होना जरूरी था। जो लड़के ने लिखा सब मिला के 10% था। जिसने कुल मिलाकर क्वेश्चन पेपर का 10% लिखा है उसको आप 33.5% कैसे दे सकते हैं? ऑफ कोर्स मैंने सर से कहा कि सर मैं नया नया आया हूं, कैसे जांचते हैं ये सब मुझे नहीं मालूम है, इसलिए किसी और से जचवा लीजिए, मैं जरा सीख लूं। मैं बच गया। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं वो ये है कि पेशा कुछ भी क्यों ना हो, नौकरी कोई भी क्यों ना करते हो, समाज में कहीं भी क्यों ना हो, हमारे सामने परीक्षा आती है, ऐसा करो। और यदि हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे तुम बड़े विचित्र हो, सारी दुनिया करती है, तुम क्यों नहीं करते। यहां तो मैंने, लेकिन मेरे नौकरी जाने की संभावना थी। इतना ही नहीं, हमारे प्रिंसिपल बड़े आजान बाहु व्यक्ति थे, तो उनसे विरोध मोल लेना सही नहीं था। इसलिए मैंने कहा सर किसी और से जचवा लीजिए, मुझे कॉपी जांचने आदि का अनुभव नहीं, कह के मैं बच लिया। लेकिन कई बार साफ बोलना पड़ता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तब लोग कहते हैं कि तुम बड़े विचित्र हो, सारी दुनिया करती है, तुम क्यों नहीं करते। वो यहाँ इस पद में हम देखते हैं।
संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने प्रभु को भी नहीं जाना है। आप जहाँ काम करते हैं, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, घर हो, वहाँ पर इस तरह की कई बातें करने के लिए लोग कहेंगे जो मेरे आपके लिए उचित नहीं है। और जब हम उस बात को मना कर देंगे तो लोग पूछेंगे कि तुम कैसे आदमी हो, यही तो प्रभु का वचन कहता है, संसार हमको नहीं जानता, तुम कैसे लोग हो, कैसे व्यक्ति हो, संसार हमको नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? इसलिए कि संसार ने प्रभु को नहीं पहचाना। ये हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि दुनिया में जब हम जीवन बिताते हैं तब प्रभु की एक संतान के लिए दुनिया का जीवन हमेशा आसान नहीं होता है, हमेशा आसान नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे काम करने को हमसे कहा जाएगा जो हमारे लिए उचित नहीं है, जो हमारे लिए पूरी तरह से अनुचित है, जो इवन पाप है, इस तरह के काम करने के लिए दुनिया हमसे कहेगी। और जब हम कहेंगे कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया का एकदम से जवाब होता है, बड़े विचित्र व्यक्ति हो, बाकी तो सब लोग करते हैं, तुम क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं करोगे इत्यादि। ये दोनों बातें हैं जो आज शाम को मैं आप सबके साथ छोड़ जाना चाहता हूं। पहली बात, मुझे और आपको शाश्वत जीवन देने के लिए प्रभु संसार में आए। आदम और हव्वा की संतान होने के कारण हमने इस दुनिया में जब जन्म लिया तभी से परमेश्वर से हमारा संबंध टूटा हुआ है। उस टूटे हुए संबंध को वापस जोड़ देने के लिए प्रभु संसार में आए। आपने, प्रिय भाइयों आपने, प्रिय बहनों आपने इस बात का निश्चय कर लिया है क्या कि आपका वो संबंध प्रभु से जुड़ चुका है? इस बात का निश्चय कर लिया है क्या कि आपको शाश्वत जीवन मिल चुका है? नंबर दो, जिसने भी शाश्वत जीवन पाया है वो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करता है, तो जिंदगी में इस तरह के तमाम अवसर आते हैं जब उससे इस तरह का कार्य करने को कहा जाता है जो उसके लिए उचित नहीं है, जो गलत है, जो पाप है, जो अशुद्ध है। उस समय हमको बोलना पड़ता है, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। तब लोग पूछते हैं कि बड़ा विचित्र है तुम्हारा, तुम क्या कोई संत आसमान से उतर कर आए हो? यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमको जीवन में जब कोई गलत कार्य करने को कहा जाता है तो उस कार्य से हटना चाहिए। उसके लिए जहाँ तक हो सके, जैसा मैंने अपने सर के सामने एक बुद्धिमानी से जवाब दिया कि सर मैं तो नया हूँ, कॉपी जांचना वगैरह नहीं जानता, किसी और से जजवा लीजिए, सर्वोत्तम तो यह होगा कि इस तरह से हम उसमें से बच निकलें। प्रभु के वचन में हम दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल राजा का खाना नहीं खाना चाहता था, उसके ऊपर जो इंचार्ज था उसने कहा कि खाना तो खाना पड़ेगा। दानियल ने अगले व्यक्ति से कहा कि 10 दिन के लिए हमको टेस्ट करके देख लीजिए, बुद्धिमानी से काम किया। हम में से भी हर व्यक्ति को जब इस तरह के कार्य करने को कहा जाता है जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो हमको बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करे। भाइयों और बहनों में से यदि कोई व्यक्ति ऐसा है या ऐसी है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके शाश्वत जीवन नहीं पाया है तो इस मीटिंग के बाद मुझसे, भाई जेफरी से या किसी और व्यक्ति से आकर संपर्क करें, हम इस मामले में और डिटेल में आपको बताएंगे। बहनों में से कोई जानना चाहता है तो आपके पीछे बहनें हैं जो हिंदी बोल सकती हैं, या तो उनसे पूछिए या मेरे पास आ जाइए। आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी सारे लोग छुट्टियों पर गए हैं, इसके बावजूद इतने सारे लोग आ सकें उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। अगले हफ्तों में
आते समय अपने किसी मित्र को या अपने किसी सहेली को भी अपने साथ बुलाकर लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि अनुग्रह और लोगों को भी मिल सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे आसमानी पिता परमेश्वर, आज आपने हमको इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यह आपकी कृपा और करुणा है जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए आपने हमारी मदद की, शुक्रिया प्रभु। हम में से जिन्होंने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उनकी मदद कीजिए कि वे शाश्वत जीवन पा सकें, और जिन्होंने ग्रहण किया उनकी मदद कीजिए कि वे एक पवित्र जीवन बिता सकें। आने वाले हफ्तों में सभी भाइयों बहनों की मदद कीजिए कि वे अपने मित्रों को भी अपने साथ बुलाकर ला सके। आपकी कृपा और करुणा के लिए धन्यवाद देते हुए ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।